रोहित शर्मा का T20 में जलवा, भारत ने जीता चौथा T20I, रोहित शर्मा ने तोड़े कई रिकॉर्ड। भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया है। आपको बता दें कि भारत ने ये T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 59 रनों से अपने नाम करते हुए सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अब भारतीय टीम 3-1 से आगे होने के साथ ही इस सीरीज को भी अपने नाम कर चुकी है। आपको बता दें कि ये मुकाबला अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में खेला जा रहा है, जहां भारत अपना तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल रही है। भारत ने इससे पहले अमेरिका में साल 2016 में वेस्टइंडीज के ही खिलाफ 2 मैचों की T20I सीरीज खेली थी, लेकिन अब इस T20 मैच के खत्म होने के साथ ही रोहित शर्मा ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। चलिए जानते हैं वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आज इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करते हुए 33 रनों की पारी खेली। 33 रनों की पारी खेलते ही रोहित शर्मा ने बतौर भारतीय सलामी बल्लेबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के लिए 3000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले रोहित शर्मा भारतीय इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं। भारत के लिए अभी तक किसी भी सलामी बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में पारी की शुरुआत करते हुए 3000 रन नहीं लगाए हैं। ये कीर्तिमान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया है। नंबर 2, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आज इस मुकाबले में 3 छक्के लगाए। 3 छक्के लगाते ही रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी हैं और दिग्गज ऑलराउंडर भी हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की सूची में पीछे कर दिया है। ये सूची अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की है। रोहित शर्मा के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 477 छक्के हैं। शाहिद अफरीदी के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 476 छक्के हैं। इसी के साथ रोहित शर्मा शाहिद अफरीदी को पछाड़ते हुए सूची में दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। पहले पायदान की बात करें तो वहां यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का नाम आता है, जिनके नाम कुल 553 छक्के हैं। नंबर 3, भारत ने आज इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपनी 29 जीत हासिल करते ही रोहित शर्मा ने इस सूची में न्यूजीलैंड के दिग्गज कप्तान केन विलियमसन को पछाड़ दिया है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 56 मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय में 28 जीत हासिल की है। वहीं रोहित शर्मा के नाम 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय में 29 जीत है। तो ये हैं रोहित शर्मा के वो 3 बड़े रिकॉर्ड जो आज के मुकाबले में भारतीय कप्तान ने अपने नाम किए हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपके हिसाब से कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसी के साथ हमारे चैनल वन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।